हे गाइस, मैं अंशु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल टैकी अंशु। आज हम बात करेंगे टॉप 5 मोस्ट मोबाइल फोटो एडिटिंग एप्स के बारे में जो कि एंड्रॉयड फोन्स के लिए होंगे। तो इन्हीं के बारे में आपको डिटेल करूँगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर ऐप हो सकता है, आपके हिसाब से आप फोटोज़ को कैसे क्रिएटिव बना सकते हो, किस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो जो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे। तो इसमें मैंने कुछ सेलेक्टेड, जैसे कि मैंने बताया, 5 ऐप ऐसे किए हैं जिसमें से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। तो पहले ऐप की बात करें जो कि टूल विज फोटोज है, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग ऐप है जिसे कि आजकल रिसेंटली में बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और ये आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसके मिलियंस में ही यूजर्स हैं और काफ़ी अच्छा ऐप है। तो इस ऐप के थ्रू आप काफ़ी अच्छी अपनी क्रिएटिव फोटोज़ बना सकते हो, साथ में इसमें कलर ग्रेडिंग, फिल्टर्स, एनिमेशंस, क्रॉप सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी इसके अंदर, जिसके थ्रू आप अच्छे फ़ोटोज़ क्रिएट कर पाओगे। साथ में ही ये बिल्कुल भी फ्री है, इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। नेक्स्ट ऐप की बात करें जो कि इन लाइट पिक्सा लूप है, जो आपको प्ले स्टोर में इजीली डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा एडिटिंग ऐप है जिसमें आप जैसे कि क्लाउड्स हुए, बर्ड्स हुए, साथ में ही वाटरफॉल हुआ, तो उनको आप मूवेबल बना सकते हो। ये ऐप आपके लिए काफ़ी उस चीज़ में बेहतर रहेगा, जैसे कि वाटरफॉल ऊपर से नीचे जब गिरता है तो वो मूवेबल पोजीशन में आपको कर पाएंगे आप फोटोज़ के अंदर ही। तो ये ऐप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप ऐसी फ़ोटोज़ क्रिएट करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। इससे आप अपनी क्रिएटिविटी और ऐप को डाल सकते हो जो आप अपने इंस्टा और फेसबुक जैसे सोशल प्रोफाइल पर पोस्ट कर सकते हो। तो ये ऐप भी काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट ऐप की बात करें जो कि आफ्टर लाइट है, आफ्टर लाइट ऐप भी काफ़ी बेहतर ऐप है। जैसे कि आप इसके नाम से जान पा रहे हैं आफ्टर लाइट, तो मतलब आपकी फ़ोटोज़ में लाइट को इन्हेंस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट्स प्रोवाइड करने के लिए, स्काई जैसे आपने कोई फोटो लिया तो उसमें आप जो आपका स्काई है उसमें अलग शेड्स देने के लिए, अलग अलग डिफरेंट कलर लाने के लिए, तो इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। ये आपके फ़ोटोज़ को काफ़ी शाइनी और लाइटनिंग बना सकते हैं जो कि आप फोटो अगर क्रिएट करना चाहते हो इस तरह के, तो डेफिनेटली ये ऐप भी आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में, जो कि काफ़ी अच्छे यूजर्स लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। नेक्स्ट ऐप की बात करें जो कि है स्नैपसीड। जो भी प्रोफेशनल मोबाइल में एडिटिंग करते हैं वो ऐप ये आपको 100% इंस्टॉल मिलेगा, क्योंकि ऐप है ही इतना ज़्यादा प्रोफेशनल कि जितने भी सारे मोबाइल में फ़ोटो एडिटिंग यूज़ करते हैं उनके पास स्नैपसीड अवेलेबल होगा। तो इसका भी काफ़ी अच्छा यूज़र बेस है, प्ले स्टोर में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आप इजीली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ में इसमें आप काफ़ी अच्छे खासे फिल्टर्स, कलर ग्रेडिंग, टेक्स्ट आपको अगर फोटोज़ के ऊपर लिखने हैं वैसे डूडल यूज़ करना है तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। काफ़ी अच्छी आपकी क्रिएटिव फ़ोटोज़ आपको निकाल के दे सकता है जो कि आप अपने सोशल प्रोफाइल को अच्छा बना सकते हैं फ़ोटोज़ को डाल के। तो डेफिनेटली ये फ़ोटोज़ के लिए भी आप स्नैपसीड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऐप की बात करें ईयरबड्स, ये मैंने इसलिए यूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा सिंपलिस्टिक एंड नॉर्मल सा ऐप है जिसे आप डेली अपनी फ़ोटोज़ में आप अगर आप टचअप देना चाहो, थोड़ा सा अगर यूज़ करके आप पोस्ट करना चाहो तो डेफिनेटली इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इस ऐप में आप बैकग्राउंड को भी रिमूव करके आप कोई भी और बैकग्राउंड में अपने फ़ोटोज़ को लगा सकते हैं, ये ऐप इतना भी कैपेबल है, बट आप जस्ट टचअप के लिए अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इस ऐप को अपने डेली फ़ोटोज़ के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें भी आपको इफ़ेक्ट्स एंड लाइट्स देखने के लिए मिलेंगी जो आपके फ़ोटो को काफ़ी अच्छा और बेहतर बना देंगी। तो ये सारे 5 ऐप थे जो मैंने आपको बता दिए, काफ़ी बेहतर ऐप हैं, काफ़ी क्रिएटिव फ़ोटोज़ आपकी बना के दे सकते हैं। तो इन ऐप में से आप कोई भी ऐप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि अगर कोई भी आपको फ़ोटो एक क्रिएटिव बना लिए मोबाइल ऐप के थ्रू, तो आपको डेफिनेटली 2 या 3 ऐप्स तो यूज़ करने ही पड़ेंगे, उनके थ्रू आपको एक अच्छी फ़ोटोज़ देखने के लिए मिल सकती है। तो इन 5 ऐप में से आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।